यहाँ देखो हम लोग ठेकुआ बना रहा है। मैंने बहुत अच्छा से ठेकुआ बना के रेडी कर लिया है। और ऐसे बनाया जाता है ठेकुआ। गैस में पहली बार सर पूजा करने जा रहा हूँ आंटी उन लोगों के साथ। गैस झारखंड और बिहार में सर पूजा का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। आपका चुनिया बनाने के लिए यहाँ तैयारी कर रहा है। ये चावल के आटा से बनाया जाता है। यहाँ क्या क्या दिया जाता है? गुड़, हनी, तुलसी पत्ता, दूध, गंगा जल दिया जाता है। अब यहाँ मिक्स कर रहा है। अब यहाँ फिर से घोल दे रहा है। गंगा जल दे रहा है। हाँ, अच्छा से मिक्स करेंगे। यहाँ पानी दिया नहीं जाता है। अब अच्छे अच्छा से मिक्स कर लिया है। आप हम लोग स्टार करेंगे बनाने के। देखो ऐसे बनाया जाता है और हम भी बना रहा है। देखो यहाँ मैंने फल को धोने के लिए रखा है और मैं उसे अच्छा से धोएगी। और यहाँ देखो छोटा छोटा फल भी दिया जाता है। मैं उसे अच्छा से धोएगी, अच्छा से धो लेगी उसे। और यहाँ मूली भी दिया जाता है। मूली धो रहा है मैं अच्छा से। और ये गाजर, अदरक और हल्दी भी दिया जाता है। पान और सुपारी को अच्छा से धो के मैंने थाली में रखा है। मैंने यहाँ फल को अच्छा से धो के मैंने रख दिया है। यहाँ देखो नारियल में घी लगा रहा है। सारा फल में घी लगाया जाएगा। चावल के आटा में गंगा जल डाल के लगाया जाता है सारा फल में। देखो कैसे लगाया जाता है। हाँ, हेल्दी दिया जाता है। यहाँ देखो लगा रहा है आंटी चावल के आता हुआ। और यहाँ देखो नारियल के ऊपर सिंदूर लगा रहा है। अच्छा फल में सिंदूर लगा रहा है। यहाँ सिंदूर लगा के तैयार कर लिया है। यहाँ देखो आंटी तैयारी कर रहा है पूजा के लिए। अच्छा से तैयारी कर रहा है। और यह लाल वाला चावल है। ये लाल वाला चावल दिया जाता है यहाँ। जाने से पहले सिंदूर लगाया जाता है। देखो ऐसे लगाया जाता है छठ पूजा में। अब हम लोग निकल रहा है और कोठरा को लेकर जाएगी बाई। ये अंकल का बेटा, अंकल का चार बेटी एक बेटा है। तीन बेटी का शादी हो गया है और दोनों
पढ़ाई कर रहा है। अंकल आंटी बहुत अच्छे हैं, उनका फैमिली सब अच्छा है। और ये येलो कलर कुत्ता पहना हुआ वो उनका छोटे बेटे और वो उनके पोती। और ये पिंक कुत्ता पहना हुआ वो मेरा हस्बैंड है, वो केला लेकर जाएंगे। और वो है आंटी, देखो हस्बैंड ने केला ले लिया है। हम लोग सब पैदल के जा रहा है, यहाँ मैं चल भी नहीं पा रहा है, मेरा पैरों में पत्थर चुभ रहा है, मेरा पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और यहाँ हम लोग पहुँच ही गया है। लोग घर पर आ गया है। यहाँ आंटी पूजा देने के लिए पानी लेकर आया है। और देखो यहाँ घर बना लिया है। और यहाँ हल्दी छिड़क के दिया जाता है, देखो ऐसे दिया जाता है। लोटा में भी दे दिया है हल्दी। आप सिंदूर लगाएगी, अब यहाँ अंतिम पूजा देने की तैयारी कर रहा है। देखो अच्छा से सजा रहा है, फूलों से सजा रहा है। और यहाँ देखो अंतिम दिया जला रहा है। आंटी और चिक्की की मम्मी यहाँ पूजा के लिए तैयारी कर रहा है। मेरा हस्बैंड केला को धोने जा रहा है। केला धो रहा है अच्छा से। अब मैं हर में नारियल ले लिया है। और यहाँ आंटी अगरबत्ती जला रहा है। अब मैं जा रहा हूँ पानी में, देखो मैं जा रहा हूँ पानी में। ये पानी में रहना पड़ेगा खड़ा होकर, जब तक सूर्य नहीं डूबेगा तब तक रहना पड़ेगा। और यहाँ आंटी मेरा हर में अगरबत्ती दे रहा है, अगरबत्ती नारियल लेकर खड़ा रहना पड़ेगा। मैं यहाँ चितन भी खड़ा है मेरे साथ, और यहाँ दीदी भी आया है। दीदी मेरा सर कुछ टाइम के लिए खड़ा है। अब सूरज डूब गया है, अब मैं पानी से ऊपर आ गया है। आंटी मुझे ही बोल रहा है अगरबत्ती गाड़ने के लिए। अब मैं यहाँ फेंक रहा है, फिर से मैं लेके मैंने गाड़ दिया है। अब मैं कथर में नारियल रखेगी, नारियल रख दिया है मैं कथर में। पूजा ख़त्म हो गया है, अब हम जाने के लिए तैयारी हो रहा है। और यहाँ तैयारी कर रहा है, देखो मेरा हस्बैंड अंकल और भाई वो लोग जा रहा है। देखो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया है। अभी हम लोग यहाँ से सीधा शिव मंदिर में जाएंगे। मैं अभी शिवलिंग के ऊपर पानी दे रहा हूँ। वीडियो को मैं यहाँ तक इन करता हूँ। मेरा वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना,
और जो मेरा चैनल को नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।